प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हम सभी ब्रह्मावत्स अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर अग्रेसर है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर खुद की चेकिंग कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज मीठे बाबा का पांचवा कदम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे मनसा में आप बच्चों को निराकारी अर्थात अपने बीज रूप अवस्था में रहना है। हम जितना अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतनी हमारी निराकारी स्टेज बढ़ती जाएगी। शिव बाबा को फॉलो करने के लिए हमें अवश्य निराकारी बनना ही पड़ेगा। कर्मणा में हमें निर्विकारी बनना है। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों में कोई भी विकार न हो अर्थात निर्विकारी होकर के कर्म करें। अपने दिव्य गुणों से नैतिक मूल्यों से संपन्न होकर के कर्म करें। कोई भी काम करते वक्त हत कारणे दिल यारणे यही भावना बनी रहे। और तीसरा है निरअहंकारी। किसी व्यक्ति को अहंकार है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? उसकी आंखों से पता चलता है क्या?
उसके हाथ पांव से पता चलता है क्या? नहीं, उसकी वाणी से पता चलता है। और जब वो वाणी भी उसकी अहंकार वाली होती है तो लोग भी कहते हैं कि इनको अहंकार है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है। ये जो मैं पर आता तो ये अहंकार हो जाता। इसलिए कहा भी जाता है, जब कोई बोलता है तब पता चलता है ये हीरे की दुकान है, डायमंड की शॉप है या कोयले की शॉप है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अपनी वाणी को बहुत ही निरहंकारी रखा था। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैंने इतना किया है, नहीं। इतना बाबा निरहंकारी थे। और हम बच्चों को ही आगे बढ़ाते थे कि भाई मेरे से भी बच्चे तुम आगे हो, किसी न किसी में पढ़ाई की क्वालिफिकेशन होती है, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो उन बच्चों को भी बाबा कहते थे कि आप मेरे से भी आगे हो, आप ये सेवा जाकर के करेंगे तो बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। ये तो उनका निर्माण भाव था, खुद आगे तब बढ़ सकते हैं जब हम औरों को आगे बढ़ाते हैं। और आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोई हमसे भी आगे जाता है तो हमें देखा नहीं जाता है, हमें ऐसे लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है कि नहीं मेरे से ही आगे चला जाएगा, मेरे से इसकी वाहवा ज्यादा होगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही खुद आगे बढ़ना है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, क्वालिटीज है। उन विशेषताओं को हम जब सेवा में लगाते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब कोई आगे बढ़ता भी है ना तो वो यही दुआएं देता है कि इनके कारण मैं आगे जा रहा हूँ, और नाम जरूर आपका लेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा हमेशा निरहंकारी होकर के रहे, बच्चों के सेवाधारी बन करके रहे। हमेशा कहते थे बच्चे मैं आपका विश्व सेवाधारी सर्वेंट हूं। इतनी अथॉरिटी होते हुए भी कभी बाबा ने अपनी लाइफ में मैंपन नहीं लाया, शिव बाबा को पूरा समर्पित कर दिए। तो ये थी हमारी प्यारी ब्रह्मा बाबा की विशेषता। तो आइए हम सभी भाई बहने अपने मनसा वाचा कर्मणा को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाएं, मनसा को पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और ध्यान रहे कि कोई भी प्रकार का अहंकार मुझे नहीं आना चाहिए। ये मेरा भाग्य है कि भगवान मुझसे करा रहा है, ये सेवा भगवान ने मुझे दी है, ये मेरा फॉर्चुनेट है, मेरा भाग्य है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को हम बच्चों का भाग्य बनाना है। भगवान ही सब कुछ देता है और उसमें से थोड़ा कुछ देते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है कि हमने भगवान को दिया। भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं कभी आपसे नहीं लेता हूँ, आप जो भी करते हो ना आपके खाते में जमा होता, और इसकी रिटर्न में मैं आपको क्या देता हूँ वो तो ध्यान में रखो। इसलिए कहा भी जाता है भगवान देता है तो चुप्पर फाड़ फाड़ के देता है। तो चलिए अपने तपस्या में हम फिर से गहन तपस्या में खो जाएं और अपने चाल चलन से मीठे बाबा को, प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करें।
ओम शांति। Check.